आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सैलाब टॉप 9 में। राजस्थान के पाली में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आवासीय इलाकों में पानी भर गया, घरों के भीतर पानी घुस गया। सोजत सिटी में एक युवक पानी में बह गया। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके युवक का शव निकाला। राजस्थान के फलौदी का ये लोहावाड पुलिस स्टेशन है। भारी बारिश की वजह से थाने परिसर में पानी भर गया। थाने में आने जाने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्यूब में हवा भरकर लकड़ी के पट्टे में बैठकर आना पड़ रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। नदियों का पानी बड़े हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को दूसरी जगह जाने की सलाह दी। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी उफान पर है। केदार घाटी में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से टेम्परेरी पुल बनाया गया। सेना ने यहां दो पुल बनाए थे जिसमें से एक पुल बह गया। अब इस जगह पर दोबारा पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। मिर्जापुर में गंगा नदी में हो रहे कटान से आसपास के गांव में पानी भर चुका है। कई पेड़ उखड़कर नदी में समा गए। मकानों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों ने मदद की अपील की है। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सऊदी अरब में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। मक्का में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर कई कई फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां डूबी नजर आई। प्रशासन ने लोगों को घर से न निकलने की अपील की है। ये तस्वीर सऊदी अरब की है। तेज बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। हालात ये हो गए कि वाहन पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। तस्वीर में दिख रही कार मलबे में फंस गई और कार में सवार युवक पानी में बह गया। काठमांडू में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आवासीय इलाकों में पानी घर में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।